हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे हो, सही सलामत हो, खुश हो और अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हो। तो आज का वीडियो क्या होने वाला है वो तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि मेरी जो छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी मुन्नी सी बेस्ट फ्रेंड है उसका बर्थडे है। मतलब आज उसका बर्थडे नहीं है, आज वैसे 24th है, 24th में, बट आप लोगों को शायद ये वीडियो थोड़ा लेट मिले, मतलब 26th या 27th या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा लेट हो सकता है, बट उसका बर्थडे एक्चुअली 25th ऑफ मे है। तो वो एक्चुअली आज 25th को घर पर नहीं रहने वाली, मतलब कल वो घर पर नहीं रहेगी, तो इसीलिए हम सब फ्रेंड्स ने प्लान किया उसका बर्थडे हम आज सेलिब्रेट करेंगे। और ये मेरा बाल, इनका मतलब मैं क्या करूँ, किस दिन गुस्सा आएगा ना, सारे के सारे बाल उखाड़ दूँगी मैं, मतलब कभी भी ढंग से सेट नहीं हो पाते और मुझे पता ही नहीं होता कि कैसे रखूँ क्या करूँ, इतना मतलब वो होता है, क्या ही बोलूँ। और जैसे कि आप सबको पता है दैट आसाम में 10th बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए हैं एंड मैंने भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। यस, दैट्स इट, मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है, बस इतना ही बोलूँगी, ऑनेस्टली अच्छा ही हुआ है। तो अभी मैंने कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, देखते हैं कौन से कॉलेज में मेरा एडमिशन होता है। पहले तो मतलब घर में सब लोग बोल रहे थे कि हॉस्टल दे देंगे, देन मैंने इतना ज़िद किया कि नहीं मुझे हॉस्टल नहीं जाना, फिर उन लोगों ने डिसीजन चेंज कर लिया दैट नहीं मैं हॉस्टल नहीं जा रही हूँ, थैंक गॉड। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो मुझे कहीं पर जाना है एंड यहाँ पर पिम्पल्स हो गया, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर एक और, यहाँ पर दो हो गया, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एंड मोमेंट पे जब आप लोगों को कहीं पे जाना होता है ऐसे पिंपल्स हो जाते हैं तो क्या क्या ये वो हो जाता है, मतलब मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता रहता है। और हाँ, मेरे साथ स्कैम भी हुआ है। जी हाँ, मेरे साथ स्कैम हुआ है। मम्मी ने मुझे बोला कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा हुआ है तो वो मुझे बाहर लेके जाएगी घूमने के लिए एंड मुझे जो भी कुछ सामान अगर चाहिए होगा तो वो मुझे दिला के देगी, ठीक है? मम्मी कसम 2-3 दिन हो गए अभी तक घर से नहीं निकली मैं, स्कैम, इसे कहते हैं स्कैम, असली वाला स्कैम जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ करते हैं। एनीवेज, ऐसे दुख भरी कहानी आपको ऐसे ही सुनने को मिलेगा, मतलब मेरी दुख भरी कहानी, और अगर आप सुनना चाहते हो मेरी दुख भरी कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड मेरे को अकेले अकेले इतना बोर हो रहा था तो मैं कैमरा खोल के ऐसे पागल वाले हरकतें कर रही थी। एंड मेरा एक कज़िन भाई है जो आइजोल से आया है सिलचर थोड़ा डॉक्टर वगैरह दिखाने के लिए, एंड मैं उसको कब से बोल रही थी भाई वीडियो में आ जा, थोड़ा वीडियो बना ले मेरे साथ, लेकिन ये कि कब से फ़ोन में ही घुसा हुआ है। सो गाइस, मैं नहा के लंच करके रेडी नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने बस लंच किया एंड नहाया एंड मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ जो कि मैं हमेशा होती हूँ हर एक चीज़ के लिए। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं। सो मैं रेडी हो गई हूँ एंड आई एम वेरी मच लेट, वेरी वेरी मच लेट, तो चलिए चलते हैं। सो दिस इज़ द केक जो मेरे बाकी फ्रेंड्स लोग उसके लिए लाए थे एंड मेरे आने से पहले उन लोगों ने केक कटिंग कर लिया मेरे बिना, बट मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी अपना रोक जमा दिया। एंड हम भुक्कड़ लोग बिना कुछ खाए पिए रह थोड़ी ना सकते हैं। ये जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है।
अरे अरे यहाँ तो झगड़ा हो गया भाई, मतलब झगड़ा नहीं मस्ती था यहाँ पे, मतलब वो आर्गुमेंट हो रहा था कि कौन गाना गाएगा कौन गाना गाएगा। सूर्यपम बोल रहा था कि नहीं सुष्मिता गाएगी, सुष्मिता बोल रही थी कि नहीं वो गाएगा, और ये सब करते करते मारपीट शुरू हो गया। और हमारी प्यारी सी बर्थडे गर्ल को एक बहुत ही प्यारा सा मतलब सरप्राइज टाइप का गिफ्ट मिला है, जिसे देख के वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। बेसिकली ये मैंने नहीं दिया है, मतलब किसी और ने दिया है जो कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड है उसका, नथिंग लाइक दैट, मतलब वैसा कुछ नहीं, बट उसका अच्छा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इतना मतलब सुंदर सा पोर्ट्रेट बना के दिया, तो ये उसने खुद बना के दिया उसको। इट लुक सो प्रिटी, मतलब इतना सुंदर हुआ है, एकदम डिटो उसकी तरह ही दिखता है वो, मतलब ड्राइंग। लुक एट दिस, इट्स सो प्रिटी। फिर थोड़े और मस्ती के साथ हमने हमारा जो स्पेशल टाइम, जो थोड़ा सा टाइम है, वो हमने इंजॉय किया। मज़ा आया बहुत सबके साथ, सबसे मिलके। ओह गाइस थैंक यू, एक सेकंड। ये सो गाइस मैं वापस घर आ गई हूँ, तो मुझे टाइम लिमिटेशन मिला था घर से। पहली बात तो मैं इतना रिक्वेस्ट करके गई मम्मी से कि मम्मी प्लीज़ मुझे जाने दो बोल के, मुझे 2 घंटे का टाइम मिला था, तो मैं 2 घंटे के अंदर वापस आ गई। एंड अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ जिसका बर्थडे है उसके साथ ढंग से मतलब वीडियो या फ़ोटो बना ही नहीं पाई, बिकॉज वहाँ पे जाके न्यू फ्रेंड्स मिले, तो इसीलिए उनके साथ थोड़ा मस्ती वस्ती किया, जैसे कि आपने देखा ही होगा मैं बहुत मस्ती किया। देन वही तो मस्ती वस्ती किया, वी वो लोग अभी भी है वहाँ पे, बट मैं आ गई। सो या दिस इज़ हाउ वी इंजॉयड। राय बोल रही थी, मतलब इसका बर्थडे था, उसका नाम राय है, तो वो बोल रही थी कि दिस इज़ हर बेस्ट बर्थडे एवर, क्योंकि उस एक तो उसका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो लाइक उसके रिलेटिव सब लोग उसको बहुत सारा यू नो खाने पीने का वो कर रहे थे, एंड हम लोग भी इस बार गए एंड मस्ती वगैरह किया, तो उसको मतलब बहुत अच्छा लगा। तो इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, एंड आई नो ये वाला व्लॉग मैंने बहुत ज़्यादा गैप था बीच में, देन मैंने ये वीडियो दिया, बिकॉज यार पूरा दिन मैं घर में ऐसे ही बैठी रहती हूँ, कुछ काम धंधा होता नहीं है, इसीलिए कुछ करने का भी नहीं होता, कहीं जाती भी नहीं हूँ, इसलिए कोई ब्लॉग बना नहीं पाती, या फिर मेरे यहाँ पे भी कोई आता नहीं है, मैं भी कहीं नहीं जाती, तो कुछ चैलेंज वगैरह करूँ ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेरा भाई आया हुआ है, देखती हूँ अगर उसको अपनी बंदी से फुर्सत मिले तो शायद एक दो चैलेंज वीडियो बना ले मेरे साथ, तो वो मैं पोस्ट कर दूंगी, मतलब अपलोड कर दूंगी। तो या यही था आज का मेरा वीडियो, व्लॉग, और देखती हूँ कि आगे क्या वीडियो दूँ। आशा करती हूँ कि ऐसा गैप ना रहे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँ, एंड आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ।